उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। महिलाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण का फूतेश्वर नरसिंह बगीची पर शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण में महिला छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संयोजक सचिन अरोड़ा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत गरीब, असहाय एवं सभी वर्ग के छात्र छात्राएं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं अन्य प्रकार की सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसकी वजह से असहाय निर्धन वर्ग के जनमानस को इसका लाभ भी मिल सके, साथ ही अपने जीवन यापन को सही तरीके से चलाने में अपनी अहम भूमिका दे सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका महिलाएं लाभ उठा सकती हैं। मथुरा के भूतेश्वर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ कराया गया है। आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है और क्या उद्देश्य है इसके लिए? इसका उद्देश्य ये है कि ये हमारे मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा चलाया गया है RPL, जैसे हमारे मोदी जी ने चला रखा है PMKY, ऐसे ही मोदी योगी जी ने चलाया हुआ है। इनका उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है लेकिन काम के लिए कुछ उनके पास प्रूफ नहीं होता है, हमें ये काम हम करना चाहते हैं, उसको एक बिजनेस लेवल में लाना चाहते हैं, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, जैसे उन्हें लोन वगैरह लेना होता है, तो ये सर्टिफिकेट जब हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो वो उनको आगे काम करने के लिए सहायक होगा, वो इस चीज़ में आगे काम कर पाएंगे और अपने आप को आगे मोटिवेट कर पाएंगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम है जो हमारे योगी जी ने चलाया है और अभी तक हम काफ़ी सारे बच्चों को ये करवा भी चुके हैं और उन्होंने अपना बिज़नेस भी काफ़ी चला भी लिया है और मैं खुद भी करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ और मेरा अलग साइड बिज़नेस भी चल रहा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से। आज ये जो कार्यक्रम गया है, इसमें करीब कितने महिला और बच्चों ने भाग लिया है? इसमें टोटल हमारा जो बैच लगता है वो 50 लोगों का लगता है, तो इसमें 10 तो बॉयज़ हैं और 40 जो हैं इसमें कुछ लड़कियाँ हैं और कुछ महिलाएँ हैं, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। कितने दिन से चला रहेगा ये? हमारा 3 दिन का है। इसमें हमारा फर्स्ट डे हमारा क्लास चलता है 6 घंटे का, सेकंड डे हमारा क्लास चलता है 4 घंटे का, एंड थर्ड डे जो होता है वो हमारा 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद इन लोगों को फिर सर्टिफिकेट और इनके अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र। जी, क्या नाम है आपका? सचिन अरोड़ा। आज आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किसका कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या उद्देश्य है इसका खास? इस कार्यक्रम का उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत ये मुहिम चलाई जा रही है कि जो लोग किसी भी स्किल में जो है जिनका सर्टिफिकेट नहीं है या वो नहीं है, तो उनको ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनके लिए रोज़गार की एक दिशा मिल सके, उनको रोज़गार करने में उनको। तो क्या सभी के लिए है या खाली? नहीं, सभी के लिए, इसमें कोई मानक उन्होंने नहीं रखा है किसी प्रकार का, कोई भी कर सकता है इसको। तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे बेनिफिट ये है कि वो अपना रोज़गार कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। उसके लिए जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, उन लोगों को ये होता है कि भाई आप हैं भी कि नहीं इसमें, तो उससे ये लाभ मिलता है, लोन भी ले सकते हैं, बहुत सारे लाभ हैं।